हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं SBI में एज ए जूनियर एसोसिएट गुजरात में पोस्टेड हूँ। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मैंने 2016 अगस्त के महीने से बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैंने 2016 में बैंक के एग्जाम दिए लेकिन मेरा एक भी प्री का एग्जाम क्लियर नहीं। 2017 में मेरा SBI PO और RRB PO दो एग्जाम क्लियर हुए प्री के, लेकिन मेरा मेंस का कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं। 2018 में मेरा SBI का क्लेरिकल एग्जाम क्लियर हुआ, IBPS का PO, IBPS RRB का PO, IBPS का क्लर्क और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो PGDBM के एग्जाम हुए थे, लेकिन मैं वहाँ भी सेलेक्टेड फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सका। 2019 में मेरे ऑलमोस्ट सारे प्री एग्जाम क्लियर थे लेकिन मेरा फाइनल कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आया 2020 और 2020 के फरवरी महीने का 2020 का पहला एग्जाम SBI जूनियर एसोसिएट जो मेरा क्लियर हुआ। मैंने फरवरी में दिया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। इसका अक्टूबर में रिजल्ट आया था और मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया। 10 दिन के लिए हमें प्रिपरेशन का टाइम मिला था। जब मैं 2019 के फेल हो गया था IBPS क्लर्क के फाइनल एग्जाम में और मुझे लगने लगा जब मैंने कि मुझे किसी मोटिवेशन की और अच्छी गाइडेंस की जरूरत है, मुझे अनिल अग्रवाल सर का पता चला और मैंने अनिल अग्रवाल सर को रेगुलरली फॉलो करना शुरू किया, अनिल अग्रवाल सर की वीडियोस देखना शुरू किया। सबसे बड़ी बात होती है कंपटीशन में कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है और अनिल अग्रवाल सर से ज्यादा मोटिवेशन आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। अनिल अग्रवाल सर जो आपको बताते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आज हम देखते हैं कि मेरे जैसे कितने ही स्टूडेंट हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद। मैंने 4-5 साल का स्ट्रगल किया। मैं चाहता हूं कि आप भी डीमोटिवेट नहीं हो, गिव अप नहीं करें। अनिल अग्रवाल सर की गाइडेंस लेते रहें, अनिल अग्रवाल सर के चैनल्स को जो अनिल अग्रवाल सर कहते हैं उन चीजों को फॉलो करते रहें। सर के द्वारा दी गई गाइडेंस और सर के द्वारा दिया गया मोटिवेशन आपके दो बहुत बड़े वेपन है इस युद्ध में, आपकी इस लड़ाई में। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप गिव अप नहीं करेंगे तो आप सेलेक्टेड जरूर होंगे। थैंक यू वेरी मच।